सकते हैं, एक हो सकता है वो पढ़ता ही ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि कुछ ना कुछ वो पढ़ता, लेकिन मेरे को सही तरह से बता नहीं पा रहा कि वो पढ़ता क्या है। देन अगेन आई सिंप्लीफाइड माई क्वेश्चन दैट ओके डू यू रीड न्यूज पेपर, ही सेज नो। डू यू रीड एनी मैगजीन, ही सेज नो। डू यू रीड एनी बुक्स, ही सेज नो। तो मैंने कहा फिर आप क्या पढ़ते हो, बोला ऐसे कुछ भी। सो ये क्या है, इट मीन्स दैट द आई एम नॉट सेइंग दैट द ही इज टेलिंग लाई और वट एवर मी एटसेट्रा, द पॉइंट इज दैट एक सिंपल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड ही वाज नॉट इन अ पोजीशन टू रिप्लाई, ही शुड हैव सिंपली रिप्लाइड कि मैं सिलेबस के अलावा कुछ नहीं पढ़ता। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, वो सिर्फ बच्चों में, बड़ों बड़ों में बहुत जो है प्रॉब्लम होती है। ऑफिस में भी हमने देखा है कि जब आप किसी को कोई डायरेक्शन देते हो कि ऐसा कर दो, तो वो उसकी बजाय कुछ और ही काम जो है वो कर देता है, क्योंकि उसके सुनने वाले और बताने वाले के बीच में बहुत गैप होता है। घरों में भी ऐसे होता है। मुझे याद है आईएएस की ट्रेनिंग के लिए जब हम मसूरी एकेडमी गए थे, तो वहाँ हमें कुछ दिनों के बाद जो क्लासेस चलती थी, एक होता था कम्युनिकेशन स्किल्स, अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड वहाँ पर हमें कुछ कम्युनिकेशन की गेम्स सिखाया करते थे, वो गेम्स खिलाया करते थे, सो दैट वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड साइंस लैंग्वेज, इन सारी चीजों से हम एक रैपो स्टेब्लिश कर ले कि कहने वाला और सुनने वाला क्या बोल रहा है और वो क्या कहना चाहता है। एंड व्हेन आई वाज वर्किंग इन ए ट्रेनिंग सेंटर, वी यूज्ड टू रन वेरियस कैप्सूल्स और द कोर्सेज ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स टू फर्दर डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द स्टाफ हु आर वर्किंग इन द ऑफिस एट द वेरियस लेवल्स। सो अगर बच्चों आज आपको लग रहा है कि क्या ये अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका ये कोर्स चलेगा, आप आपकी अपनी जो है एनालिटिकल पावर जो है शार्प होगी, आपकी सुनने की जो है वो पावर शार्प होगी, आपकी एब्जॉर्ब करने की पावर शार्प होगी, एंड यू इन ए पोजिशन टू रिफाइन रिफाइन द थिंग्स इन ए सिस्टमेटिकली इन द प्रॉपर मैनर। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस कैप्सूल, दिस कोर्स, वट एवर इज बींग ऑर्गेनाइज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, मैं इसमें ये देख रहा था कि आपको पीपीटी के बारे में बताया जा रहेगा। ओ, पीपीटी बनाना बहुत इजी चीज है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना इट्स मोर डिफिकल्ट। नॉर्मली आई हैव सीन एट वेरी हाई लेवल, इवन टुडे टुडे आल्सो आई सी पीपल हु आर वर्किंग इन द वेरियस फील्ड्स, दे डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर ए प्रॉपर पीपीटी। तो 21 साल आर्मी में काम किया है, समटाइम्स आई हैव टू मेक द प्रेजेंटेशन टू द आर्मी चीफ और द वाइस आर्मी चीफ। तो उसमें हमें जो है पीपीटी कितने मिनट की होगी, हाउ मच टाइम आई विल टेक टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स, हाउ मच टाइम द चीफ और द वाइस चीफ विल मे टेक टू क्वेश्चन मी, एंड हाउ मच टाइम आई हैव गॉट टू फर्दर रिप्लाई टू हिज क्वेरीज, ये सारी चीजों को प्लान करना पड़ता है। मैंने देखा है कि पीपीटी जो लोग बनाते हैं, बड़े बड़े लोग, बच्चे लोग या बड़े बड़े लोग, वो पीपीटी बनाने के बाद जो उसके ऊपर लिखा हुआ उसी को आकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। पीपीटी इज ओनली दैट इज अ टूल और द मीडियम विद व्हिच यू आर गोइंग टू फर्दर एक्सपैंड योर लाइन ऑफ आर्गूमेंट। तो आपके आपको इसके बारे में बताया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली बच्चे सारे इस सबसे बहुत फायदा उठाओगे। एंड सेकेंडली, देखिए सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं है, सिर्फ सिलेबस कवर करना ही काफी नहीं है, अपनी वेरियस स्किल्स को शार्प करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सिलेबस, जितना आपको अपने अपने क्लास में मार्क्स अच्छे जरूरी है, उतना ही है कि आप ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करो। सो इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं वो आपकी लैंग्वेज को, आपकी स्किल्स को, आपके और तरह के जो फीचर्स होते हैं पर्सनैलिटी के, उन सबको शार्प करने में आपकी मदद करते हैं। सो आई होप दैट डेफिनेटली यू ऑल विल एंजॉय, एंड फॉर एनी डाउट्स और द क्लैरिफिकेशन, द स्टाफ एंड द फैकल्टी हु इज इन्वॉल्व विद दिस, दे आर ऑलवेज देयर, एंड आई एक्सटेंड माई कॉन्ग्रेचुलेशन टू द माई फैकल्टी ऑफ माई कॉलेज हु हैव टेकन ऑल द पेंस, और मुझे जहाँ तक पता चला कि 100 से ज्यादा ऑलरेडी इसमें कनेक्टेड हैं, एंड सो मेनी अदर स्टूडेंट्स माइट बी ज्वाइनिंग ऑल्सो। सो आई विश ऑल द सक्सेस फॉर द वर्कशॉप, एंड डेफिनेटली आई होप दैट यू ऑल विल एंजॉय एंड लर्न। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को समझाया है, और डेफिनेटली आपके वर्ड्स जो हैं ये याद रखेंगे और इनके काम आएंगे। थैंक यू सो मच सर।
Now, I would like to quote lines of a famous author, Catherine Pulsifier, that communication is one of the most important skills you require for a successful life. Being able to communicate effectively is the most important of all life skills. It is simply the act of transferring information from one place to another. This may be vocally, it can be written, it can be communicated visually or non-verbally. How well this information is transmitted and received is a measure of whether your communication skills are good or not. We have all been developing our interpersonal skills since childhood, and they become so natural that we often take them for granted, never thinking about how we communicate with other people. The foundations for many other skills are built on strong interpersonal skills, since these are relevant to our personal relationships, social affairs, and professional lives. I'm certain that you all are feeling anxious and giddy with excitement at the same time. Dear audience, it is time for our speaker, Dr. Ankita Gupta, Head Department of English, to start the first session and share her knowledge with the students. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Nidhi. Thank you, Chairman Sir, for your encouraging words. So, good evening, all of you. Ma'am, can you skip to the next slide? Just give me a minute. Yes, ma'am. So, as we have all been discussing, this course is going to be a course on your soft skills. तो सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू कीप दिस सेशन इंटरैक्टिव. सो दिस इज अभी बहुत सारे चैट बॉक्सेस में मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें अनम्यूट कर दो, हमें अनम्यूट कर दो. सो द ओनली थिंग इज दैट वील बी एबल टू अनम्यूट यू ओनली आफ्टर द सेशन. यू विल हैव टू बेयर विद मी एंड लिसन टू मी फॉर अनदर 30 मिनट्स एंड देन वी कैन स्टार्ट अनम्यूटिंग यू एंड वील हैव एन इंटरैक्शन. बट येस, इन बिटवीन वॉट वी कैन डू इज वी कैन open the chat box for you. So whenever and wherever you feel that you need to give your inputs are always welcome in the chat box. So, you know, when we talk about the soft skills, the general thing that comes to our mind is that soft skills matlab somebody who's very good in English. So this is the first question that I have for you for today, that what do you think? What is your take on this? You can give me your opinions in the chat box, and your opinions will be taken, and we'll discuss if soft skills is akin to good English. Akin matlab it is similar. So aapko kya lagta hai ki soft skills ka kya matlab hota hai, ki a person who is very good in English, jo bahut achhi English bolta hai, kya uska ye matlab hai ki uski soft skills bahut developed hai? So you can just write a yes or a no, or your opinion on this. What do you think? So this is an open question. Yeah, so I have one response, and I would really like if you people can give me your responses quickly in the chat box. Okay, wonderful, wonderful, wonderful. Yeah, so a lot of you are saying that no, soft skills is not equal to your good English, and this is exactly what we're trying to teach to the kids and to the participants of this session, that soft skills मतलब ये नहीं होता है कि आपको आपकी अंग्रेजी बहुत ज्यादा डेवलप करनी है, एंड यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर द वर्ड्स एंड वोकैबुलरी एंड बोम्बास्टिक. यू नो, यू आर यूजिंग टू मेनी हैवी वर्ड्स जो आपको ऐसे लगेगा कि सुनने वाला, जैसे हम शशि थरूर की एग्जाम्पल लेते हैं इन द पार्लियामेंट, व्हाट शशि थरूर इज फेमस फॉर, ये दैट ही यूजेस दैट काइंड ऑफ वोकैबुलरी व्हिच हैज एन इंपैक्ट, कि इनके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे होंगे. But that is not what soft skills is all about. So what are soft skills and why are they important? Ma'am, can we skip to the next slide, please? So when we talk about soft skills and hard skills, we have two kind of skills, and one is your hard skill and the other one is your soft skill. What is hard skill? Hard skills are your technical skills, jo hum apni degrees lete hain, aapke paas कौन से टेक्निकल स्किल्स हैं, आप कितनी अच्छी कोडिंग कर सकते हो, इफ यू आर एन इंजीनियर, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, तो आपके जो एकेडमिक स्किल्स हैं वो होते हैं आपके हार्ड स्किल्स. मैम द स्लाइड इज नॉट विजिबल, जस्ट अ सेकंड मैम, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, स्लाइड इज नॉट विजिबल मैम, इट्स नॉट ऑन शेयर मोड.
या द नेक्स्ट स्लाइड. यस, सो दीज आर योर हार्ड स्किल्स. हार्ड स्किल्स आर व्हाट? व्हाट आर हार्ड स्किल्स? हार्ड स्किल्स आर योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड द टेक्निकल स्किल्स जो आपकी जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं, बिकॉज दिस विल टेक यू टू द इंटरव्यूज. हाउ आर योर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज? इंटरव्यू की आपकी एक क्वालिफिकेशन होती है ना, देयर इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट यू हैव टू क्वालिफाई. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन टू टीचिंग जॉब, आपको एक नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, देन यू शुड हैव अ डॉक्टरेट डिग्री. दैट इज योर टेक्निकल स्किल. दैट इज इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू आफ्टर इंजीनियरिंग, यू शुड हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री. इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर योर से योर डॉक्टर, यू शुड हैव एन एमबीबीएस डिग्री. दैट इज योर हार्ड स्किल. That will take you to the doorstep of the corporate world. That will take you to the doorstep of the interview. But what will make you crack that interview? That is the essential thing. And what makes you crack that interview is your soft skills. Soft skills kya hain? Soft skills are your social skills, are your personality characteristics. Are your characteristics, are your traits. Like, are you empathetic? Can you work in a team? Do you have good leadership qualities? Can you manage your time? Are you good at taking decisions? Are you goal oriented? So all these qualities will define whether you get that job or you don't get that job. And you know what? Even if you get that job, how well would you adjust in that job? Will you be able to retain your position in the job? Will you be aptly promoted as and when required? All these things will depend and are directly relational to your soft skills. And it has, trust me, honestly, it has nothing to do with your hard skills. You must be, you know, somebody who has secured, say, 99% or 98% or 95%. But if your personality traits do not match your hard skills, you are, say, not good in working with a team, or you are not adjustable, or you do not know how to take orders, you are not an active listener, and you do not know how to work and coordinate with your peer members, then unfortunately you will not have a good professional life. And ultimately, of everything that we are doing as far as our studies are concerned, it's not just, you know, to get a degree, it's to get a good job and to be able to excel in our professional world. So, you know, as so much, and so we can just talk at length and breadth of it. And the importance of soft skills is so much that you will not be able to, fathom how important soft skills are. Kitne zyada zaruri hain agar aapko professional life mein aur personal life mein successful hona hai. Next slide. Yeah, so these are certain statistics that are very important to understand the importance of these soft skills. Because by 2030, 63% of all jobs would be soft skills incentive based. This is what and how significant your soft skills are. So if somebody is telling you, jaise usually hamare gharon mein and hamare schools mein kya baat hoti hai, padhai karo, padhai karo, padhai karo. And this is unfortunate state of academia in India. What happens is that we are paying too much attention on the academics and the books and everything. And what we are doing is that we are ignoring the life skills. So we are giving our kids and our students a lot of emphasis on the hard skills, but unke soft skills ke upar, unke life skills ke upar hum kaam nahi karte hai. Aur phir baad mein kya hota hai na? When they enter into the practical world, they are like, you know, bombarded, and they are sometimes shell-shocked by the experience of the real life world. Or fir unko kya lagta hai, they are not able to adjust properly, and then they complain about it ki yaar school mein to hume ye kisi ne bataya nahi. So there is a gap between the classroom and the corporate world, and how you have to bridge that gap. I think there is some connection problem. We will wait for a minute.
अंकिता मैम, आर यू देयर? Write in a few sentences in the chat box. Am I audible? Somebody write audible? You were not audible earlier, but now you're audible. But your voice is cracking. Okay. 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 Great. Great. Yeah. So, what do you think? Why during the time of your selection there is an interview round? Why is there an interview round? What is the need of a GD session, the group discussion round? What is the need of interview round? Why is selection not just based on your resumes or just by going through your CVs and your academic scores? What do you think they do in the interviews? Any response? Chat box, please. ओके, आई विल रिपीट इट. एम आई ऑडिबल? सबको आवाज आ रही है क्लियरली? मेरा क्वेश्चन ये है, या आई विल रिपीट द सेम क्वेश्चन. आई एम आस्किंग यू, आई एम ट्राइंग टू नो कि आपको क्या लगता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिलेक्शन कभी भी हम एक राउंड के बेसिस पे आपके रिज्यूमे, आपका एकेडमिक स्कोर, आपकी परसेंटेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है. जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं, आपका सिलेक्शन एक इंटरव्यू के बेसिस पे होता है, जिसमें इंटरव्यू होता है, एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है. सो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाई व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज दे आल्सो नीड टू जज पीपल ऑन देयर बिहेवियर. एब्सोल्युटली करेक्ट प्रिंस. पर्सनालिटी टेस्ट, यस. अ गुड कैरेक्टर, पर्सनालिटी इज रिक्वायर्ड, राइट? गुरलीन सिंह. सो ऑल ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस एंड ऑल दीज आंसर्स आर एप्रोप्रिएट, एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट. They need to test you not just on the basis of your academic score, not just, yeah, no, no, beta, this is not hard skill. This is because they want to test your soft skills. And that's how important soft skills are. You cannot in this world survive without honing these soft skills. So for your personality, for your social attributes, for you know, defining your personality, checking your characteristics, your social attributes, your traits, how well you will work in the organization, all these skills matter. And that's why it's just not the hard skills, it's the soft skills. And this is the importance of soft skills. Next slide, please, ma'am. I'm so happy I have a receptive audience and everybody is responding quickly. This is too good. So a big round of applause for all of you. Next slide, ma'am. Can we move to the next slide, second, please? Ma'am, just give me a second. Yeah, confidence, good behavior. All these are essential attributes. All these are a part of your soft skills. So soft skills, by now, I hope from the session that it is very clear that what are soft skills? Soft skills is that bridge between the classroom and the industry. And the ultimate aim of any education is to get a good job, is to get a good, you want to be absorbed in a good world, good corporate sector or any other sector, any government sector, wherever you wish to sit. But there has to be a bridge between the two, because there's a huge gap. We don't teach our kids these soft skills in the school, which
these life skills should be taught to the kids from the very start. Yeah, you know, from the moment we the child starts taking cues, even in the form of body language. That's how early we should start honing the life skills to them. But unfortunately, there is a huge gap between the hard skills and the soft skills, and that's where the significance of courses like this is. Because aap abhi jis stage pe hain, this is the defining stage of your career. Abhi aapka make or break period chal raha hai. Agar aap right decision le lenge, to you will stir into the right direction of your career. And if you will not work with effort during this time, to maybe after 10 or 15 years you will be like totally lost. Now what should I do? So, aap jis stage pe hain, is stage pe aapke liye ये डिसाइड करना कि आपको आगे क्या करना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए व्हाट एफर्ट्स यू नीड टू पुट इन. समटाइम्स वी आर यू नो रेडी टू वर्क हार्ड बट वी डू नॉट हैव अ डायरेक्शन, वी डू नॉट हैव समबडी हु कैन गाइड अस इन डायरेक्शन. सो दैट्स व्हाई दीज कोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या सो इन अ टोटल इन अ नटशेल व्हाट डू दीज सॉफ्ट स्किल्स मींस. These means your sociological term. This is a sociological term. Your social behavior, how well you can sit in a society. They say man is a social animal. So, humme aur man, ek animal me, what is the difference? Is our social characteristics. Aur humare social characteristic ka sabse bada essential part hai soft skills. These are your personality characteristics, your personality traits. Aapki social graces kaisi hain? Aap kitna acha communicate kar sakte hain? And by communication, trust me, I do not mean how well you can speak English. English is just a medium. It's just a language. And because it's a global language, to uski significance bahut zyada hai. To kyunki bahut sare log jo hain, wo English ko samajh sakte hain. Agar, for example, Punjabi a global language hoti, to Punjabi ki significance aaj bahut zyada hoti. So it's not that how well you can speak or write or, you know, correspond in a particular language. वो आपका लैंग्वेज स्किल है, पर आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपके लैंग्वेज स्किल से बहुत अलग है. एंड दिस वी विल टेक अप इन नेक्स्ट सेशन कि आपके लैंग्वेज स्किल में और कम्युनिकेशन स्किल में क्या डिफरेंस होता है. बिकॉज हाफ ऑफ योर कम्युनिकेशन इज डन थ्रू योर सोशल जेस्चर्स, विच इज जिसको हम गेस्टिकुलेशन बोलते हैं, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं. ऐसा होता है ना सबके साथ. समटाइम्स वॉट हैपन्स इज दैट बिना कुछ कहे भी आपको किसी की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव लगती है. शायद आपने कभी उससे बात भी नहीं की है, पर हमें उसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव लगती है. जैसे आजकल एक दिलजीत का सॉन्ग बहुत फेमस है, वाइब तेरी मिल दिया. व्हाट इज दैट वाइब? क्या मीनिंग होता है वाइब का? वाइब इज दी एनर्जी, दी बॉडी लैंग्वेज, दी ऑप्टिमिज्म, द पॉजिटिविटी. वाइब बोलते हैं ना कि यार उसकी मेरी वाइब बड़ी मैच करती है. व्हाट इज वाइब? वाइब इज कि आपको कितना अट्रैक्ट करता है उसका सोशल ग्रेसेस, उसकी द वे दैट पर्सन वॉक्स, दैट द वे दैट पर्सन लुक्स एट यू, और प्रोबेबली जस्ट अ स्माइल. दे से स्माइल इज अ यू नो वे टू समबडीज हार्ट. तो बिना कुछ वर्ड कहे भी आप बहुत सारी जो कम्युनिकेशन है वो अपनी बॉडी के थ्रू करते हैं. एंड दैट इज वॉट इज योर सॉफ्ट स्किल्स. एंड समटाइम्स द ऑपोजिट हैपन्स. किसी ने आपको कुछ भी बुरा नहीं बोला, कभी कुछ गलत नहीं बोला, बट स्टिल यू फील कि नहीं, इसका इससे मुझे थोड़ा दूर ही रहना है. आई डोंट वॉन्ट टू बी नियर दिस पर्सन. वाई? अगेन, बिकॉज द बॉडी लैंग्वेज एक्सूड्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी. तो हाउ कैन यू मेक योर बॉडी यू नो एक्सूडिंग अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी? योर एनर्जी हैज टू बी यू नो टॉप नॉच. तो ये कैसे होता है? वेन यू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, वेन यू वर्क ऑन दिस एसेंशियल सॉफ्ट स्किल. So all these characteristics in totality are known as your soft skills. And in this course, we will be taking up different aspects of these soft skills, like communication skills, like time management, like decision making, like being goal oriented. So all these things are going to be a part of this course. Next slide, please. Can we move to the next slide? Yeah,
तो 85% दिस इज अ पिरामिड, और इसमें क्या हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं दैट 85% ऑफ योर जॉब सक्सेस और योर लाइफ सक्सेस इट कम्स फ्रॉम योर सॉफ्ट स्किल्स, योर पीपल स्किल्स, योर वेल डेवलप्ड सॉफ्ट स्किल्स. दैट्स व्हाट विल डिफाइन योर सक्सेस इन लाइफ. एंड ओनली 15% ये जो टॉप पे छोटा सा एक ब्लू कलर का है दैट विल बी डिटरमिंड बाय योर academic skills or your hard skills or your technical skills or your knowledge of a particular subject. But baki ka jo 85% hai, wo kis pe depend karega? Aapke life skills ke upar, aapke soft skills ke upar. It will not be dependent on your technical skills ki aap technically kitne sound hai. Iska isse koi relation nahi hai. Next, please, ma'am. Yeah, so we have been talking about the importance of soft skills ever since. जब से हमने ये lecture start किया है and chairman sir also defined you कि कितना important है आपकी life में soft skills, क्योंकि आपके जो interpersonal relations हैं, आपकी जो decision making है, आपकी communication है, तो आपका जो overall एक impression है, जो आपका first impression किसी पे जाएगा, वो आप soft skills के basis पे जाएगा. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको Pythagoras theorem आती है कि नहीं आती. Nobody cares about कि आपको chemistry के कितने periodic tables की आपने कितने रट्टे लगाए हैं. Nobody cares about it in your professional world. What people care about is that how empathetic are you? क्या आप जब एक team के साथ work करते हो, क्या आपके अंदर coordination के skills हैं? Are you a good manager? क्या आप में leadership skills हैं या फिर आप सिर्फ boss around करते हैं? Everybody is concerned about कि आपके साथ उठने बैठने में क्या उनको एक पॉजिटिव एक इमोशन आपके साथ फील होता है. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी थ्योरम्स लर्न की थी या आपके यू नो कितने परसेंट मार्क्स आए थे. अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्रेंडली वे से एक फ्लेक्सिबिलिटी, यस आई हैव एन आंसर, फ्लेक्सिबिलिटी इन टीम वर्क, अगर आप टीम के साथ फ्लेक्सिबल होकर कर सकते हो, यू आर गोइंग टू बी अ गुड एम्प्लॉय, यू आर गोइंग टू बी अ गुड वर्कर. चाहे आप आपके आप में 70% मार्क्स आए थे या 90% मार्क्स आए थे, दिस विल बी इनकॉन्सिक्वेंशियल. व्हाट विल बी कॉन्सिक्वेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट इज दैट हाउ वेल यू आर एज अ पर्सन, आपके जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है. सो दिस विल मेक अ डिफरेंस व्हेन यू आर सिटिंग इन अ कंपनी ऑफ से 500 एम्प्लॉयज और 3000 एम्प्लॉयज एंड इन अ ग्लोबल वर्ल्ड लाइक वी लिव इन टूडे where boundaries are diluted. आज आप यहाँ बैठ के एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर सकते हो. तो आपको लगता है कि योर सी जी पी ए स्कोर विल मैटर? नो, इट इज नॉट गोइंग. ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हार्ड स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है. येस, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट यू टू दैट डोर, बट वंस दैट डोर ओपन्स एंड यू गेट इन टू द रियल वर्ल्ड, वॉट यू नीड इज योर रियल लाइफ स्किल्स विच आर योर सॉफ्ट स्किल्स. नेक्स्ट स्लाइड मैम. Yeah, so how we've been talking about these soft skills and everything. So, ab ye skill hota kya hai? What is the difference between talent and skill? Talent kya hota hai aur skill kya hota hai? Kaun batayega? Any one of you can write in the chat box. Talent is, what is talent and what is a skill? Dono mein kya difference hai? Skill is hard work, okay. What is talent? Talent is inherited. Okay, well done. Skill we acquire. Absolutely right. Piyush, very good. Talent is potential to do something. All right. Talent is interest. Skill is hard work. Skill is hard work. Absolutely right. A natural skill. Talent is a natural skill. Okay. Also, very interesting answers I'm getting. So, what is talent? Talent is something that you're born with, inherited, as somebody said. I think it was Piyush. So talent is something which comes natural to you, जो आपके से आपने उसको आपके एक innate characteristic है. Like for example, it is something which is God gifted. Yes, Yuvraj, absolutely correct. तो ये आपका talent है. For example, I'm very good at maybe singing, which on an honest note, I'm not at all good at singing. But just taking an example, कि अगर आपका एक talent है, आप बहुत अच्छे singer हैं, वो आपका talent है. Okay, you're born with it.
बट वो एक स्किल कब बनेगा? स्किल इज समथिंग विच यू लर्न, विच इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, विच यू लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय पुटिंग इन अप्रोप्रिएट हार्डवर्क एंड एफर्ट. जब आप एक टैलेंट के ऊपर कंसिस्टेंटली एफर्ट करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, देन दैट टैलेंट टर्न्स इनटू अ स्किल एंड दैट स्किल टर्न्स इनटू एन अचीवमेंट. जितने भी आप सुपर अचीवर्स देखते हो, वो किसी भी फील्ड में हो, वो सब एक टैलेंट के साथ बॉर्न हुए थे, बट उन्होंने उसके ऊपर क्या लगाया, दे हैड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. नोबडी बिकेम विराट कोहली ओवरनाइट, नोबडी बिकेम अमिताभ बच्चन ओवरनाइट, nobody became Sundar Pichai overnight, or you can take examples from any field of your work, any field of work in today's world. You have to work hard, you have to put in effort. Aur uske liye kya important hai? Uske liye important hai self-awareness. Again, a very important aspect of your soft skills. If you are aware ki aapke andar kya talent hai, to aap uske upar constantly effort karenge, aap uske upar hard work karenge, definitely you're going to achieve and you're going to come into that bracket of being a super achiever. Ab ek super achiever ek aur ek mediocre life mein kya farak hota hai, kya difference hai? The difference is all of us are born with one or the other talent. Humne tare zameen par dekhi hai aur humne Aamir Khan ke lessons acche se learn kiye hain ki sabke paas talent hota hai na, but lack kya karte hain? What makes us different from people who achieve something in their life? What makes us, how super achievers are different from mediocre people? The difference is in the amount of effort that we are ready to put in into our talent. Talent sab mein hota hai, but hum hard work nahi karte. Hum effort nahi dalte. Aur kyun nahi dalte? Kyunki humein self-awareness nahi hoti. And we do not have appropriate mentors and guides to put us in the right direction. Talent to sab mein hota hai na. Aur the another important thing is that excuses. And trust me, just because I'm taking this session doesn't make me somebody who's a super achiever. I till date have a tendency of making a lot of excuses. Mere paas time nahi tha, mere paas know-how nahi tha. And because I tend to become lazy like everybody around. So, जब तक ये self awareness नहीं आएगा ना कि मुझ में ये talent है और अगर मैं इसमें effort डालूंगी तो मैं ये काम कर सकती हूँ, तो वो मैं नहीं करूँगी. So we have to come out of that slumber and that phase of making excuses. And this is also very important soft skill. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब तक हम अपने आप को इस एक्सक्यूज में बंद करके रखेंगे ना एक बॉक्स के अंदर, दे से इफ यू कंटेन योरसेल्फ इनटू दोस फोर वॉल्स ऑफ बॉक्सेस, ओ आई डोंट नो हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश बिकॉज आई वाज नॉट प्रिविलेज्ड एंड आई वाज नॉट बोर्न इन अ फैमिली जहां पर पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं, दिस इज एन एक्सक्यूज. यू आर बोर्न इन टू अ फैमिली वेर परहैप्स योर पेरेंट्स आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ऑल राइट फाइन. But from nursery standard onwards, they are putting you to a school where you are learning English every day, every day. So just imagine a person who started, reading and writing in English at the age of 5, और वो 20 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में ये नहीं excuse दे सकता कि मेरे parents को English नहीं आती थी इसलिए मुझे English नहीं आती. So what have you been doing in these 10 years? What have you been doing in these 15 years? Just making excuses? So this attitude is not going to take you forward. If you want to be an achiever, you have to come out of this phase of making continuous excuses. So if you are born in a particular circumstances, which I know for fact, sabke circumstances alag hote hain, par un circumstances mein se bahar nikalna aapke haath mein hai. Aur aapko apni life ke sath kya karna hai, that is again is in your hands. तो आप वो चीज तभी करोगे व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योरसेल्फ दैट वेयर डू यू वांट टू रीच इन योर लाइफ एंड हाउ यू विल रीच देयर इज थ्रू दीज स्किल्स. और ये स्किल्स डेवलप करना इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग कि आप एक टैटू शॉप पे गए, आपने बोला मुझे टैटू बना दो और नेक्स्ट डे आपका टैटू ब्रिलियंट आ जाएगा. नो, इट विल टेक इयर्स एंड इयर्स ऑफ हार्डवर्क एंड एफर्ट. एंड दिस एफर्ट थिंग इज वॉट turns your talent into skill, regularly practicing it. Yes, of course. Next slide, ma'am.
So this was just an introduction of the course that we are going to give to you. This is going to be a 1-week course where we are going to hone you know all these skills, all these jitne bhi humne abhi baat ki hai un sab ke upar hum kaam karenge. Aapke jitne bhi soft skills hain, we will try ki hum maximum soft skills ko 6 days ke session mein cover kar sake. To abhi main aapse sirf ek interaction karungi. I'm not going to, because I've been speaking for approximately 30 minutes and I think this is sufficient for the kids. Itna hi aapka retention span hai. Isse zyada main bolungi to aapka interest jo hai wo lose ho jayega. So this is a little bit of a quiz and a riddle kind of a thing for you. Abhi aapki screen pe kuch pictures aayengi. Usme maine kuch bhi nahi likha hai. You have to tell me ki how you interpret these pictures. Like, what do you think we are talking about in this picture? Jaise ye aapke saamne picture hai, left and right. It's divided into 2 sections. In the first section, what is there is that there is no success. In the second section, there is success. So can you see, you know, can you spot out the difference between the two and why there is a difference? Okay, Amrapali. What scale are we talking about in this? Yeah, leadership. Yeah. Yes. Because in the first section, what is lacking is leadership. Yes. Leadership skill nahi hai. Pehle wale mein what we see is that that person who is supposed to, you know, the spearhead, the mission, wo khud piche hai and just giving the orders. So that is just being a boss, not a leader. And in the second section, what a leader is, leadership skills are shown, jahan par he is actually, you know, sparing and steering the team. So ek mein wo keh raha hai ki let, you know, just giving the command, go, 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 do this. And us second wale mein, we are talking about, let's go. So this is the difference of attitude. So ye jo aapka ek attitude hai, wo difference yahan pe show ho raha hai, that if you want to be a good leader, you need to first set an example. You need to lead from the front. Yeah, very good. Next slide, ma'am. Yeah, teamwork, leadership, yes. Okay, so what skill is this? This is an easy one. Ye kya hai? There is an arrow. Okay. Yeah, it's so interesting to read all the answers. Yes, this is to be goal oriented, to be target oriented. Absolutely correct. Jaise wo humne anecdote sabne padha hai na, wo Arjun ka. Kya anecdote tha wo? Ki Arjun ko uska goal jo tha, wo straight in front of his eyes dikhta tha. So isi tarah aapko bhi goal oriented hona hai. So if you are, you know, always somebody who's distracted, like all of us go through distractions, it is absolutely normal. पर एक जो आपका ओवरऑल होलिस्टिक गोल है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. यू शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल, पर्टिकुलरली एट दिस एज एंड स्टेज ऑफ योर करियर. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज अ ब्रेक और मेक पॉइंट. तो अगर अभी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगी. इस एज में डिस्ट्रैक्शंस भी सबसे ज्यादा होती है, टू एड टू इट, है ना. जिस एज में हमें सबसे ज्यादा करियर को ध्यान देना चाहिए, उसी एज में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं. बट दैट्स व्हाट इज द, यू नो, द ब्यूटी ऑफ लाइफ. तो जितनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी, उसको आप कैसे अपने आप को गोल ओरिएंटेड करेंगे, कैसे आप अपने आप को स्ट्रीमलाइन करेंगे कि आप एक सक्सेसफुल वेंचर, एक सक्सेसफुल करियर को ऑप्ट कर सके और अपने आप को फोकस्ड रख सके, दैट इज अगेन समथिंग दैट यू हैव टू लर्न. नोबडी इज बॉर्न विद दिस, यू नो, एक फोकस जो है, आप उसके साथ बॉर्न नहीं होते. आप सीखते हो कि आपको लाइफ में कैसे फोकस्ड बनना है. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल. नेक्स्ट मैम. या ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज बीइंग अ टीचर ऑफ लिटरेचर, तो आपको पता ही है, इफ समबडी टीचर्स लिटरेचर, तो वो लिटरेचर से दूर हो नहीं सकता. तो टू बी और नॉट टू बी, पहले बताओ ये किसका, कौन से बुक से ये कोटेशन लिया गया है, किसी को पता है? I will be personally very happy.
अगर इसका आंसर किसी ने किया तो। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। वॉट सॉफ्ट स्किल आर वी टॉकिंग अबाउट? ये कौन सी बुक से लिया गया कोट? बिलीव इन योर सेल्फ नॉट कंपेयर विद अदर्स, ओके या फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले, एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी माय ओके। शेक्सपियर के कौन सी प्ले से लिया गया है ये? यस हैमलेट। एंड दिस इज अ बहुत बहुत ज्यादा ये इनका एक फेमस कोटेशन है हैमलेट का, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज डिसीजन मेकिंग। हैमलेट का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या था कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं था, उसे नहीं पता था कि मेरे को अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं, एंड ही वाज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स एंड कंफ्यूजन, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर यू नो एट अ क्रॉस रोड्स, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर इन अ 12th स्टैंडर्ड, इफ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, थम्स अप। बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट हम एक ऐसी स्टेज पे होते हैं वेयर वी आर इवॉल्विंग आवर आइडेंटिटीज एंड समटाइम्स वी डोंट नो व्हाट टू डू, और हमें नहीं पता चलता कि कब कौन सा डिसीजन लेना है। जैसे किसी फ्रेंड का फोन आ गया और उसने बोला कि यार ये सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स छोड़ो, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, चलो चलो गेड़ी रूट पे चलते हैं, लेट्स गो ऑन अ ड्राइव, और आपका क्या मन करेगा, छोड़ो लैपटॉप बंद करो, फोन बंद करो एंड लेट्स गो आउट। अभी थैंक्स टू कोरोना कि आप बाहर नहीं जा पा रहे, that's another story, but otherwise this is going to be a normal response, because in life you're not able to decide that what is important and what is not important, to be or not to be. decision making, kab aapko kaun sa decision lena hai, kab aapke liye kya cheez zaruri hai, this is a significant thing, aur ye bhi aapka ek bahut important soft skill hai. next slide ma'am. So we have covered three soft skills. One is your leadership. One is to be goal oriented. The other one is decision making. And this is the fourth one that we are talking about. What is this? This is an easy one. Time management. Absolutely correct. How to manage your time. अब इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, वो अपने फिंगर टिप पे अपने टाइम को मूव कर रहा है, दैट मीन्स यू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, यू आर नॉट अ स्लेव ऑफ द मैकेनिकल क्लॉक, आप टाइम के स्लेव नहीं हो, आप टाइम के मास्टर हो, तो दोनों में डिफरेंस है। इफ यू वेर आर यू अ स्लेव ऑफ टाइम, वेन यू आर लॉयटरिंग अराउंड, वेन यू हैव नो फोकस, अगेन यू नो ऑल दी स्किल्स आर इंटर रिलेटेड। तो जब आपको नहीं पता है कि मुझे अपने टाइम को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, तो आप आई एम यू नो टोटली अगेंस्ट दिस नोशन की यू हैव टू बी यू नो नेक डाउन इन टू बुक्स ऑल द टाइम, नो 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 एब्सोल्युटली नॉट। आपके लिए सब कुछ जरूरी है, आपके लिए खेलना भी जरूरी है, पार्टी करना भी जरूरी है, फ्रेंड्स के साथ जाना भी जरूरी है, और यू नो सोशल मीडिया भी जरूरी है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इन इन टूडेज वर्ल्ड यू कांट जस्ट बी यू नो जस्ट बुक वॉर्म, मतलब किसी भी जमाने में एक बुक वॉर्म होना कभी भी सक्सेस का पैरामीटर था ही नहीं। तो अभी भी ये जरूरी है कि आप सब कुछ एक प्रॉपर टाइम पे करो, पर व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू डिवाइड योर टाइम इनटू सच सेक्शंस कि आप हर चीज को एप्रोप्रिएट टाइम दे सको। आप किसी भी एक चीज को ज्यादा टाइम दे रहे हो और दूसरी चीज को कम टाइम दे रहे हो, तो वो इट्स लेट जस्ट आई मीन ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ सिंपल एनालॉजी। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जिम जाते होंगे, है ना, अब जिम में अगर आप एक ही मसल को रोज ट्रेन करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट ट्रेनिंग योर आर्म्स, तो आपके बाइसेप्स तो बड़े अच्छे डेवलप हो जाएंगे, बट योर लेग्स विल बी वीक, राइट? तो यू हैव टू, तो एक जब आप जिम में जाते हो, व्हाट डू दे डू, दे डिवाइड योर टाइम इन सच अ फैशन कि आपको दो दिन आर्म्स कराएंगे, दो दिन एब्स कराएंगे, दो दिन लेग्स कराएंगे, सो दैट योर इंटायर बॉडी इज कवर्ड इन दैट, राइट? सो योर माइंड इज ऑल्सो लाइक दैट, तो आपके माइंड मसल्स कब डेवेलप होंगे, जब आप अपने माइंड को हर चीज के लिए, हर फैकल्टी के लिए टाइम दे रहे हो, आप खेल भी रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ भी जा रहे हो, आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे भी हो, और आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, बाकी सेक्शंस छूट जाएंगे,
और अगर सिर्फ सोशल मीडिया चलाओगे तो फिर बाकी सेक्शंस छूट जाएंगे, राइट? सो यू हैव टू मेक अ काइंड ऑफ अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू सी कि आप कौन सा काम कितने अमाउंट ऑफ टाइम में करके उसका आपके पास रिजल्ट आता है. हो सकता है आप एक एक एबीसी एस्पेक्ट में बहुत अच्छे हो, तो उसमें कम टाइम भी लगाओगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा. बट एक दूसरी चीज है जिसमें आप अच्छे नहीं हो, जैसे मेरे केस में क्या था, आई वॉज एब्सोल्यूटली वीक इन मैथमेटिक्स. मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक था, सो आई न्यू कि मुझे सबसे ज्यादा टाइम मैथमेटिक्स पे लगाना है. बट लेट्स से माई ज्योग्राफी वॉज वेरी स्ट्रांग और लेट्स से माई इंग्लिश वॉज कंपेरेटिवली स्ट्रांग, तो उस पे मैं कम टाइम भी लगाती थी, तो वो मेरा सब्जेक्ट जो था वो इजीली आई कुड यू नो ग्रास्प दोस कॉन्सेप्ट. सो यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ एंड मैनेज योर टाइम इन सच अ फैशन कि यू आर अल्टीमेटली मास्टरिंग योर टाइम एंड नॉट जस्ट बीइंग अ स्लेव ऑफ टाइम. और इसका एक बहुत ही यू नो क्लीशे स्टेटमेंट है ना कि जो लाइक अब आइंस्टाइन था, उसके पास भी तो 24 घंटे ही थे, है ना? और अगर हम आज आज की भी कोई एग्जाम्पल है, कोई CEO है कंपनी का, तो उसके पास भी 24 घंटे ही है. और हम लोगों के पास क्या एक्सक्यूज होता है कि टाइम ही नहीं था. तो इफ समबडी सेज टाइम ही नहीं था, दैट मीन्स कि उसकी टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वो खराब है, वो अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहा है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड मैम. ओ इंटरेस्टिंग वन, व्हाट इज दिस? ये कौन सा ट्रेट है? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. बैलेंस, मेंटल पीस, ऑल राइट, राइट, कोऑर्डिनेशन, वंडरफुल. दिल से और दिमाग से दोनों से सोचो, एब्सोल्यूटली राइट, ओके. कामनेस, हीलिंग, या सो हियर वी सी लिसन टू योर हार्ट बट टेक योर ब्रेन विद यू, ओके, वंडरफुल. या मेंटल एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन, राइट राइट, या सो दिस इज समथिंग बहुत से लोगों में जो मिसिंग होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मिसिंग होता है, दैट इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर इमोशंस एंड योर मेंटल फैकल्टीज, योर रैशनैलिटीज एंड योर इरैशनैलिटीज. तो हम बहुत सारे टाइम में एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं. समटाइम्स क्या होता है कि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, मे बी वी आर वेरी गुड एट इट, बट हमारी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है. तो इफ यू आर नॉट हैप्पी इन योर पर्सनल लाइफ, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत यू नो बुरी तरीके से इम्पैक्ट होगी. एंड इफ एंड समटाइम्स आपकी पर्सनल, आपकी इमोशनल कॉम्पोनेंट बहुत अच्छा है, बट प्रोफेशनली आप माइंड से नहीं सोच पाते, आपकी रैशनैलिटी अच्छी नहीं है, तो यू नो देर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर हार्ट एंड योर माइंड. So this needs to be at peace and you have to learn that skill of having a balance between the two. Dekho kitne aaram se dono haath pakad ke mazze se baithe ho, hai na, yoga kar rahe, meditation kar rahe. So this is a kind of balance that you need to strike in your professional personal life, between your emotions and your rationality, between your heart and your mind. So ye kaise develop hona hai, ye bhi aapka ek bahut bada soft skill hota hai. और इसको बोलते हैं बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, राइट? सो वी हैव जस्ट टेकन अप फाइव इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स इन टुडेज लेक्चर. वन इज लीडरशिप, द अदर वन इज टाइम मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड होना, डिसीजन मेकिंग होना एंड बैलेंस होना. और ट्रस्ट मी, अगर आप ये फाइव स्किल्स अपनी लाइफ में किसी तरीके से भी लर्न करते हो, प्रैक्टिस करते हो, यू आर गोइंग टू बी एन अचीवर. और आपका जो यू नो एक प्रोग्रेस है लाइफ में, आपका जो सक्सेस स्कोर है, उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकेगा. यू विल बी एन अचीवर इन योर लाइफ इफ यू लर्न दी सॉफ्ट स्किल्स. एंड बियॉन्ड सॉफ्ट स्किल्स, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर सॉफ्ट स्किल्स व्हिच हैव टू बी कवर्ड, बट येस ऑफ कोर्स इन अ कैप्सूल एंड इन अ लिमिटेड टाइम स्पैन वी कांट बी टॉकिंग अबाउट से 50 सॉफ्ट स्किल्स और 60 सॉफ्ट स्किल्स. सो आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ अबाउट द इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स दैट यू have to learn and you must try and imbibe with your effort and with your hard work to you know have a clear vision of what you want to do after your plus two standard. Next, let's move to the last slide for the session. I'm not going to take more of your time. Acha, ab ye kya hai, what is this? Very interesting. Ye meri taraf se aap sab ke liye hai, a token of gratitude to all of you for you know attending the lecture.
या एंड टेकिंग आउट टाइम एंड यू नो दिस इज अ रोज यस बट इट हैज सम थॉर्न्स आल्सो सो दिस इज द टेक अवेज एंड द शॉर्ट कमिंग्स व्हाट आर द टेक अवेज ऑफ द सेशन एंड व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स इफ यू फेस सम सो दिस इज अ फीडबैक फ्रॉम योर एंड मैम कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज या So this is a rose and thorn. This is a kind of an exercise that we are going to do in the sessions. So आज का आपका ये छोटा सा टास्क है a rose and a thorn kind of an exercise. इसमें आप मुझे अपनी फीडबैक मेरे मेल पे दे सकते हो आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर होगा आप उसमें भी लिख सकते हो सो वॉट इज अ रोज रोज इज द मेजर टेक अवेज जो आपने आज के लेक्चर से कुछ भी अगर सीखा है कोई इस सेशन में आपको जो भी चीजें अच्छी लगी हैं that you can share with me. And thorns are your problem areas. कोई भी ऐसा concern है जो आप सीखना चाहते हो या आपको आज के lecture में लगा maybe ma'am की speed बहुत तेज थी तो in the next session we want her to be a little slow or anything any problem area that you can also discuss because we are here not to just talk about the good things but also to talk about the mistakes because that's what makes us human and a lot you know approachable. तो ये हमारा हर सेशन के बाद एक छोटा सा टास्क रहेगा विच इज कॉल्ड अ रोज एंड थॉर्न टास्क इसमें हर बच्चा अपना एक जर्नल बनाएगा एक बुक बनाएगा जिसमें यू कैन राइट इट डाउन मे बी जस्ट वन पॉइंट फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी एक चीज अच्छी लगी इसको इसमें आप एक पॉइंट लिखो आपको 10 चीजें अच्छी लगी आप 10 10 चीजें लिखो बट एवरी डे मेंटेन दैट जर्नल एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स वी विल यू नो शेयर दैट विद ईच अदर कि हमने इस 7 week के कोर्स में जिसमें हम अपने 7 इम्पॉर्टेंट आवर्स लाइक वील हैव सेशन फॉर सिक्स वील हैव सिक्स सेशंस लास्ट के डे पे तो आपका वैलिडिट्री ही होगा संडे को बट येस सो 6 आवर्स इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम तो अगर आप अपने 6 घंटे हमको दे रहे हो तो आप उसमें से कुछ सीखोगे सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम दीज सेशंस एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम एरियाज और इसको आप मेरे साथ मेरी मेल पे भी शेयर कर सकते हो और वी कैन हैव you know, interaction or anything of that sort also but at the end of all the sessions. So that's all from my end for today. I hope this was of value to you. Kuch aapne aaj is da jo mere saath invest kiya hai, usme aapne kuch sikha hoga. And all the best, happy learning. And I look forward to taking more sessions with you. So tomorrow you are going to... have a session on PPT, that is PowerPoint presentation, because this course ki duration mein aapka ek chhota sa competition bhi hoga PowerPoint ke upar. To kal jo aapka session hoga, wo thoda sa technical rahega. And after that, you have the program schedule and you can go through all the lectures. And I wish to see you soon. And happy learning, have a good day. Thank you, over to you, ma'am. The link for the feedback form is there. You have to fill this feedback form. Thank you, ma'am. It was a wonderful session, and I hope students are not audible, ma'am. Not audible. Hello, am I audible? Okay. Thank you, ma'am. It was a wonderful session. I hope students have enjoyed it. Our students' ka response bhi bata raha tha ki. Ma'am, you not audible. I think there is some problem with your headphones. Just a second, let me change the settings. I think I have to change. हाँ जी आप सबका response जो है बता रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा session और हम hope कर रहे हैं कि आप लोग next sessions जो होंगे वो भी enjoy करोगे and always keep learning and don't stop being curious. We will join tomorrow same time same platform. We are thankful for your cooperation and trust that you have shown in us. Thank you all. और ये जो feedback form का link आपके साथ share किया गया है ये next half an hour में आप लोग जो है fill कर दो हम WhatsApp group में भी ये link share कर देंगे ठीक है we are looking towards your feedback. Thank you so much. You all can leave. We also have our principal ma'am with us, but as she is not keeping good health, तो वो अभी आपको address नहीं कर सकते. But her good wishes are with you. And on ma'am's behalf, I extend a very warm welcome to all the participants and wish them a happy learning experience. Thank you.
I request all the students to kindly leave the meet. Nikita, Prince and Yuvraj, beta, please leave the meet. We'll meet you tomorrow now.